हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 9th अक्टूबर 2017। तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स की, तो लिखने की चिंता मत करना, ठीक है ना? तो सिर्फ सुनने में ध्यान देना। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो है आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उसके आपके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन ग्रुप्स में आपको प्रीलिम रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं देता रहता हूँ। प्रीलिम रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं जिसमें मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूँ, तो वो सॉल्यूशंस आने से पहले मैं पीडीएफ इन ग्रुप्स में डालता हूँ जहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे वीडियोस में विद डिस्कशन विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है? तो काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो स्ट्रिक्टली यूपीएससी पैटर्न पर रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पर है। तो ये ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, और चिंतित मत होना कि ग्रुप्स में फालतू की बकवास होगी, बिल्कुल भी 1% फालतू की बकवास इन ग्रुप्स में बर्दाश्त नहीं की जाती है जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है? तो देख लेते हैं GS3। GS3 में आज एक ये आर्टिकल था, मिस्टर पीएम इट्स टाइम फॉर बोल्ड इकोनॉमिक थिंकिंग। तो देख लेते हैं इस आर्टिकल की थीम क्या थी। इस आर्टिकल में मेनली जो है अपने लिए काम का जो था वो ये था कि इसमें 5 स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सबसे पहले तो ब्रिंगिंग द अनडिस्क्लोज्ड ब्लैक मनी। अब आप लोग कहेंगे अनडिस्क्लोज्ड ब्लैक मनी को तो सरकार इतने टाइम से लाने की बात कर रही है, तो इन्होंने ऐसा क्या खास डिस्कस कर दिया? इन्होंने एग्जांपल लिया है इंडोनेशिया का, जहां पर टैक्स पेयर्स को ये एक वॉलेंट्रली एक विंडो दे दिया गया कि जिन्होंने अपनी भाई जिनकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो जायज़ तरीके से आके हमें बता दो कि हाँ भाई हमारी इतनी ब्लैक मनी है डोमेस्टिकली या फॉरेन अकाउंट्स में, वो हमें बता दो और उस हिसाब से फिर हम देख लेंगे। तो अब आप कहोगे कि ऐसा तो इंडिया में भी किया गया है, इनकम डिक्लेरेशन जो स्कीम बनाई गई थी, ठीक है, और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी एक स्कीम बनाई गई थी। तो आप कहोगे इसमें नया क्या है? इस स्कीम ने थोड़ा सा कुछ हटकर बोला है। इस स्कीम ने ये बोला है कि ऐसा करो, आप एक वन टाइम प्रोग्राम बना दो टिल December 31 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? उसमें लोगों को कह दो कि जिस जिसकी अनडिस्क्लोज इनकम है भैया आके हमें बता दो। जब कोई अपनी अनडिस्क्लोज इनकम लेकर आता है उस पर आप 4% का फाइन लगाओ, सिर्फ 4% का फाइन लगाओ, ठीक है? कितना मेजर सा फाइन है अगर किसी की ब्लैक मनी है। अभी तक हमने देखा इनकम डिक्लेरेशन स्कीम जो थी उसमें हमने 45% लगाया था, डीमोनेटाइजेशन के जो टाइम पे स्कीम आई थी उस पर अराउंड 80% जो था कुछ फाइन लग जाता था। तो अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि आप सिर्फ 4% का फाइन लगाओ, ठीक है, और बाकी जो इनकम आ रही है जो अनडिस्क्लोज इनकम अब डिस्क्लोज कर रहे हैं लोग उसका 50% जो है आप गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करो। दो गवर्नमेंट फंड्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एक बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए, इन दो फंड्स में आप जो है वो पैसा डाल दो, ठीक है? उस पैसे को आप लॉक कर दो 7 ईयर्स के लिए, ठीक है? 7 साल तक के लिए आप जिसकी वो अनडिस्क्लोज इनकम थी जिसने डिस्क्लोज की है उसको वो 7 साल तक के लिए आप पैसा नहीं दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने फंड में डाल लिया तो आप उसको कुछ भी मत दो, आप उस बंदे को 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर किसी की अनडिस्क्लोज इनकम है भी, किसी की ब्लैक इनकम है भी, तो वो और ज़्यादा इंकरेज होंगे अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने में। पहले क्या होता था, 45% 80% अगर आप उन पे फाइन लगा रहे हो तो बंदा सोचता था यार डिस्क्लोज करने का फ़ायदा क्या है, मेरी आधी से ज़्यादा कमाई चली जाएगी। लेकिन अब सिर्फ फाइन जो है 4% का लगेगा, और बाकी जो 50% का पैसा जो लॉक किया जा रहा है 7 साल के लिए उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और तो और जब 7 साल के बाद ये पैसा जब रिडीम होगा तो ये कम्प्लीटली एज अ लीगल मनी रिडीम होगा। जिसने भी डिस्क्लोज की है इनकम उसको ये 7 साल बाद सारे का सारा पैसा वापस मिलेगा एज अ लीगल इनकम। तो उसको ये भी फायदा होगा, उसका जो ब्लैक मनी होगा वो 7 साल में सारे का सारा जो है वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हर कोई इतना शरीफ तो है नहीं कि आ जाएगा, कहीं लोग ऐसे भी होते हैं लालची लोग होते हैं बनिए टाइप जैसे हम, तो उसमें क्या होता है कि वो कहेंगे कि भाई 4% भी काहे भरे, ठीक है, जब कोई पकड़ेगा तब की तब देखेंगे 4% भी काहे बढ़े। तो उसमें सरकार को थोड़ा सा अपना डर यूज़ करना पड़ेगा। सरकार ने अपनी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बिल्ट की है पिछले कुछ सालों में, हमने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो है पैक्ट साइन किए हैं जिसमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट डाटा की हमने बातें की हैं, तो वो डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक आध बड़े लोगों के खिलाफ हमने यूज़ कर लिया कि हाँ भैया तेरे को स्कीम बना के दी थी तूने फिर भी डिस्क्लोज नहीं किया, आ जा फिर उसको अपने आड़े हाथ लो और उसके ऊपर लीगल जो है सारा प्रोसेस चलाओ, तो बाकियों के अंदर अपने आप डर बैठ जाएगा और वो भी हैं वो इस स्कीम के अंडर आ जाएंगे, ठीक है? पहला तो ये रिकमेंड कर दिया। दूसरा, सेकंड ये बोला कि भैया NPA और ये रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स की प्रॉब्लम जो है इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को? एक तो बोर्ड ऑफ PSU बैंक्स शुड बी रिकास्ट बाय ब्रिंगिंग इन पर्सन विद
डेमोस्ट्रेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, ठीक है। तो जो PSU बैंक का बोर्ड है उसमें जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अचीवमेंट वाले लोगों को लेके आना है भैया, ऐसे ही नहीं कि बस जो फेवरेटिज्म नहीं चलाना। दूसरा, बोर्ड शुड बी फुली एम्पावर्ड टू डिसाइड ऑन लोन रिजोल्यूशन बाय वे ऑफ रियल रिस्ट्रक्चरिंग और विदाउट हेयर कट एंड वन टाइम पेमेंट, ठीक है। तो जो उस बैंक करना चाहता है लोन रेजोल्यूशन के लिए उसको करने दो, उसको थोड़ी सी छूट दो। ऑल केसेज ऑफ सस्पेक्टेड रॉन्ग डूइंग इन्वॉल्विंग कल्यूजन बिटवीन बॉरोअर्स एंड बैंक इन लोन रेजोल्यूशन शुड बी स्क्रीनड एंड वेटेड फर्स्ट बाई हाई लेवल कमिटी ऑफ फॉर्मर बैंकर्स ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बिफोर बींग टेकन अप बाई द 3 C's। अब इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, अब जैसे क्या होता है, मैं कोई लोन लेने गया, विजय माल्या साहब लोन लेने गए, ठीक है, तो बैंकर के पास लोन लेने गए। अब वहाँ पर RBI का गवर्नर तो नहीं बैठा कि वो देख लेगा कि विजय माल्या साहब तो पहले ही उनकी तो फाइनेंशियल कंडीशन टाइट चल रही है। तो वो बैंकर के पास गए, बैंकर ने देखा सारा अकाउंट वकाउंट विजय माल्या साहब का, और उसको पता चल गया कि यार ये तो पहले ही दिवालिया होने के वर्ज पर है, ये हज़ारों करोड़ रुपया और मांग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आपका तो लोन पास नहीं हो सकता, लेकिन विजय माल्या ने कहा यार तो मेरा लोन पास कर, 1000 करोड़ में से 2-4 करोड़ रुपये मैं तेरे को दे दूंगा, अपना दोनों का फ़ायदा तेरा क्या जा रहा है, बैंक को देने थे मेरे को पैसा, 2-4 करोड़ रुपया मैं तेरे को दे दूंगा। तो इससे क्या होता था, ये एक टाइप का करप्शन कल्यूजन बन गया, और बैंक ने उनको उनका लोन सेंक्शन करवा दिया, और इससे जो था NPA बढ़ गया बैंक का अब, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीज़ों को देखने के लिए अभी तक क्या होता था कि 3 C's को इन्वॉल्व किया जाता था, उसमें CBI आ गया आपका, CVC आ गया, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आ गया, या फिर आपका जो है CAG आ गया। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था, और इतनी देर में जो विजय माल्या जैसे लोग होते हैं वो भाग जाते हैं भारत से, ठीक है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, NPA में इतना पैसा फंस जाता है, बैंक को वैसे ही इतना नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए सर ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाएं जिसमें जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से उठा के हाई ऑफिशियल जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी एक कमेटी बनाएं और उनके ऊपर ये काम दें कि ये जो सब रेजोल्यूशन है इस चीज़ का करें, इससे पहले कि आप CBI, CAG या CVC जैसी बॉडी के पास जाएं, ठीक है। क्लियर गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर दें स्क्रीनिंग और वेटिंग के लिए, ऐसे जो पंगे होते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये बोला गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप स्टोरेज हाउसेज बनाइए, ठीक है, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग बनाइए। हम बात करते रहते हैं ना एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। वाटर एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज बनाइए, एक्सटेंशन सर्विसेज बनाइए, इससे क्या होगा क्योंकि आपकी मेजर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो आपकी अपनी आप इकोनॉमी डेवलप करेगी, फार्मर्स डेवलप करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो ये रिकमेंड करते हैं कि आप नए एक्सपोर्ट इंजन्स लेके आइए, ठीक है। अभी तक आपके एक्सपोर्ट इंजन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, अभी तक आप मेनली क्या एक्सपोर्ट करते हो, उनसे हटके चीज़ें एक्सपोर्ट कीजिए। वो सरकार क्या कहती है, आप मेक इन इंडिया एंड सर्व इन इंडिया के थ्रू डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। अब मेक इन इंडिया में हम कहते रहते हैं, हम जिनसे भी अब नए डिफेंस डील्स करते हैं, हम कहते हैं नहीं आप भारत में आकर बनाओ, आप भारत में आकर बनाओ, टेक्नोलॉजी भी लाओ। तो जब भारत में आके बनाएगा तो भारत पहले अपने लिए बनाए, और उसके बाद जो छोटी मोटी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनके लिए भी डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाएं, इनको भी एक्सपोर्ट करें। और मेडिकल टूरिज़्म तो हम जानते ही हैं कि इंडिया का मेडिकल टूरिज़्म जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो इलाज अमेरिका में $50,000 में होता होगा वो इंडिया में ₹10,000 में हो जाता है, तो आप उसको प्रमोट कीजिए, उसको फर्दर प्रमोट कीजिए। फिफ्थ स्टेप, आप एक टेक्नोक्रेट को लेके आइए, जैसे 1991 रिफॉर्म्स में जो आपके PV नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, वो मनमोहन सिंह को लेकर आए थे और वो फर्दर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेके आए थे, तो वैसे ही आपको कुछ ज़रूरत है, आप एक टेक्नोक्रेट को लेके आइए जो आपकी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स ला सके। तो ये जो था इसमें डिस्कस था आर्टिकल में। उसके बाद EVs गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स चार्जिंग अप। अब इस आर्टिकल की जो थीम थी मेनली वो ये थी, हम सब जानते हैं कि सरकार ने 2030 तक का टारगेट रखा है कि 2030 में हम सारी डीजल और पेट्रोल कमर्शियल कार्स को हटा देंगे और अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो ले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ले आएंगे, अभी आप पेट्रोल पंप जाते हो पेट्रोल डलवा लेते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आएंगे तो आपको उनको चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना। आपको कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे आपके जो है वो चार्जिंग जो बेस हैं वो डेवलप होने चाहिए। चार्जिंग भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप गाड़ी चार्ज कैसे करोगे, ठीक है ना। आप अभी तो पेट्रोल डलवा लेते हो पंप पर जाके, तो गाड़ी को चार्ज कैसे करोगे, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब लोग सोचते हैं कि जो ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करेंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करें। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका ये मानना है कि ये जो चार्जिंग का जो काम करने का होगा वो कस्टमर की खुद की जिम्मेदारी होगी, उसमें हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है
वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही आनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही आती है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने डेवलप कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशंस बना दिए, लेकिन अब लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दो, उसके लिए आपको और भी सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी। जैसे नॉर्वे में एक क्लाउड सर्विस है, ठीक है, इन नॉर्वे वी हैव अ क्लाउड सर्विस दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे एंड एवरी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक कार ओनर गेट्स एन RFID टैग, सो वाइल यू आर ड्राइविंग यू कैन लुक अप एन ऐप वेयर द नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन इज़ एंड वट द स्टेटस ऑफ़ योर बैटरी इज़, ठीक है। आपको सारा पता रहता है उसमें कि आपकी चार्जिंग स्टेटस क्या है, ठीक है, आपका नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। उसके लिए आपको पेमेंट भी फिजिकली नहीं करनी पड़ती, आपका RFID टैग में आप पैसे डाल के रख सकते हो, किसी स्टेशन पे आप जाते हो तो वो RFID टैग को स्कैन कर लेगा और वहीं से जो है आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फोर्टोमोएज, AKA फिनिश क्लीन एनर्जी पेरेंट कंपनी है ऑफ फोर्टम इंडिया, साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NBCC इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज टू ब्रिंग दिस क्लाउड बेस्ड बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंडिया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल बॉडीज लाइक द इंडियन ऑटो LPG कॉलिशन हैव रेस्ड ऑब्जेक्शंस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेइंग दैट दे वर नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल पर्पजेज सिंस सच व्हीकल्स डू नॉट रिमेन आइडल एट नाइट व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज आर नॉर्मली चार्ज्ड दिस टू कैन बी एडजस्ट फॉर्टम सेट, ठीक है। तो इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स वालों ने कुछ कहा था कि भाई हमारा ट्रक तो चलता ही रात को है, तो रात को हम चार्ज कैसे करेंगे, मेनली व्हीकल्स को जो चार्जिंग किया जाता है वो रात को किया जाता है, तो हमारा व्हीकल जो है वो चार्ज कैसे होगा। तो उसके लिए भी फोर्टम ने कहा है कि नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी जो है आपकी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो दिक्कत है, इंडिया में गाड़ी को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मेनली AC चार्जिंग पर रिलाई करती हैं, ठीक है, जो आपका ऑल्टरनेटिव करंट होता है। तो ऑल्टरनेटिव करंट व्हीकल को चार्ज होने में अराउंड 5 to 6 hours लग जाते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अब हर कोई इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं निकाल पाएगा, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो नहीं निकाल पाएंगी 5 से 6 घंटे सिर्फ अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो चार्जिंग जो मोड हो वो डायरेक्ट करंट का होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट मोड होता है, अगर व्हीकल जो है डायरेक्ट करंट से चार्ज हो जाएगी तो उसको सिर्फ आधा घंटा लगेगा चार्ज होने में। तो आप देख रहे हैं ना कहाँ 5 से 6 घंटे लगने थे और कहाँ आधा घंटा लगना था। तो कंपनीज़ का ये भी कहना है कि हाँ, ये भी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ तक कि निसान टेस्ला जैसी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी DC चार्जिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनके पास हैं, ठीक है ना। तो ये जो था इसमें सारा डिस्कस था। उसके बाद इंडिया टू कंडक्ट फर्स्ट BIMSTEC डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017, ठीक है। तो ये 2017 में पहली बार हो रही है BIMSTEC डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, अक्टूबर 10 से शुरू होगी, NDRF कंडक्ट करेगी दिल्ली और NCR रीजन में, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने का डिसाइड कब किया गया था, इसको डिसाइड किया गया था 17th BIMSTEC सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग जो काठमांडू में हुई थी फरवरी 2017 में, उसके टाइम पर ये डिसाइड किया गया था कि एक ऐसी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और ये पहली एक्सरसाइज नहीं है जो ऐसी मल्टीलेटरल एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, इंडिया ने पहली भी ऐसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंडक्ट की हैं बाय होस्टिंग द साउथ एशियन एनुअल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज एक SADMEX करके, ये हमने की थी। फिर हमने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक हमने होस्ट किया था। और इंडिया ने यहाँ तक कि अपनी काफ़ी सर्विसेज भी ऑफर की हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड इट्स एक्सपर्टाइज एंड कैपेबिलिटीज़ इन DRR सच एज द साउथ एशिया सेटेलाइट, GSAT-9, सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर टू अदर कंट्रीज। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स ऑफ द BIMSTEC लीडर्स डिलिब्रेटेड अपॉन ड्यूरिंग द गोवा ब्रिक्स समिट, ठीक है, गोवा ब्रिक्स समिट के टाइम पर भी बात की थी ये। और BIMSTEC रीजन के लिए अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1.5 बिलियन पीपल रहते हैं, 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन होती है टोटल, और कंबाइंड जो GDP होती है वो अराउंड US$2.7 trillion की होती है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ BIMSTEC कंट्रीज़ जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक एवलेंसेज और ड्रॉट से जो है वो प्रॉन है, तो इसीलिए ये BIMSTEC के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट GS2 देख लेते हैं, लॉन्च ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो अभी प्रधानमंत्री गुजरात गए हुए हैं, तो उन्होंने जो मिशन इंद्रधनुष जो पहले लॉन्च हुआ था 2015 में, उसका एक इंटेंसिफाइड वर्जन जो है अब लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अंडर 2 years of age एंड ऑल दोज प्रेगनेंट वुमेन हु हैव बीन लेफ्ट
कवर्ड अंडर द रूटीन ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम. तो 2 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मेनली ये ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो टारगेट करेगा. स्पेशल ड्राइव विल फोकस ऑन इंप्रूविंग ह्यूमनाइजेशन कवरेज इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज टू इंश्योर फुल ह्यूमनाइजेशन टू मोर देन 90% बाय दिसंबर 2018. ठीक है, दिसंबर 2018 तक 90% को फुल ह्यूमनाइजेशन देने का टारगेट है. पहले ये जो टारगेट था, अभी इंटेंसिफाइड और मिशन इंद्रधनुष और जो पहले का मिशन इंद्रधनुष है उसमें फ़र्क क्या है. पहले का जो मिशन इंद्रधनुष था उसकी जो डेडलाइन थी वो 2020 थी. ठीक है, अब जो डेडलाइन को जो है प्रीपोन कर दिया गया है और उसको 2018 कर दिया गया है. ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष. तो इसमें फोकस जो होगा वो अर्बन सेटलमेंट्स और सिटीज़ पे होगा अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. द कन्वर्जेंस ऑफ ग्राउंड लेवल और इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में क्या क्या होगा. कन्वर्जेंस ऑफ ग्राउंड लेवल वर्कर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिला प्रेकर्स परिसर्स अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी इंश्योर्ड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. फर्दर इट वुड बी रिव्यूड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है नेशनल लेवल पे इसको रिव्यू करेंगे और मॉनिटरिंग इसकी करेंगे थ्रू अ स्पेशल इनिशिएटिव प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन. प्रगति जो एक कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हर महीने करते हैं चीफ सेक्रेटरीज के साथ स्टेट्स के, कि क्या इंप्लीमेंटेशन है जो वेरियस जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग में. उसके बाद ये एक न्यूज़ थी, XSC जजेस कुड सून बी अपॉइंटेड टू NHRC चीफ. तो आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में होम मिनिस्ट्री ने कुछ चेंजेस लाने की बात की है, उनकी जो अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर था उनके बारे में. अभी तक जो कमीशन का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें कौन कौन होता था, एक चेयरपर्सन होता था. ठीक है, चेयरपर्सन जो होता था वो ज़रूरी होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों. ठीक है, या तो चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए थे या फिर करंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए थे. ठीक है, वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है, एक मेंबर तो ये हो गया, एक तो आपके चेयरपर्सन हो गए, सॉरी फॉर एक तो आपके चेयरपर्सन हो गए जो आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते थे. उनके अलावा एक मेंबर जो होने चाहिए थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए. ठीक है, एक मेंबर होने चाहिए आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, रिटायर्ड या करंटली वर्किंग. ठीक है, और दो दूसरे मेंबर्स होने चाहिए जो नॉलेजेबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट से रिलेटेड. ठीक है, तो दोबारा हम देख लेते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी शायद. आपका जो स्ट्रक्चर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसमें जो आपका चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए. ठीक है, उनके अलावा जो लोग होने चाहिए वो कौन कौन होने चाहिए, एक आपका जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग, एक आपका सुप्रीम चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग, और दो जो हैं वो और लोग होने चाहिए जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं अब इसमें होम मिनिस्ट्री का क्या कहना है. होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि अ की चेंज बीइंग कंटेम्पलेटेड इज़ दैट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कुड आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द चेयरपर्सन पोजीशन. अभी तक जो चेयरपर्सन होते थे वो सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम कंसिडर कर रहे हैं ये चीज़ कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को भी हम जो है चेयरपर्सन बना सकें. ठीक है ना, सिमिलरली एन अमेंडमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ members is also being considered. The members could be picked from a pool of retired chief justices of high court. Currently a serving or retired SC judge is considered. ठीक है, तो अभी जो हमने एक बंदा देखा था कि retired और working SC judge को हमें appoint करना होता था, तो उसकी जगह भी हम high court के judges को appoint कर लेंगे. ठीक है, तो ये सारा जो है इन्होंने बोला, ये किसी लिए बोला जा रहा है ताकि जो पूल है, जो सिलेक्शन जो पूल है वो बढ़ जाए और ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को इसमें अपॉइंट करा जा सके. नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट फेसिस ओवर हीट ओवर स्टबल बर्निंग. ये मैं आपको ये दिखाने के लिए किया है कि किस तरह की न्यूज़ फॉलो नहीं करनी है और क्या क्या आपको पेपर में नहीं लिखना है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है पहले पैराग्राफ में, सेवरल फार्मर यूनियंस इन पंजाब आर अप इन आर्म्स. आर अप इन आर्म्स, ऐसा लगता है कि कोई विद्रोह छिड़ गया हो, मतलब सिविल वॉर चल रहा हो पंजाब में. भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उन्होंने हथियार नहीं उठाए, कोई वो हाथ में हैंड ग्रेनेड लेके या AK-47 लेकर नहीं चल रही है. पता नहीं क्यों इस तरह की न्यूज़ इस तरह से लिखा जाता है और कौन इन लोगों को जर्नलिस्ट अपॉइंट कर लेता है, मुझे समझ नहीं आता. ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब इनसेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए और लोगों को पागल बनाने के लिए. आर अप इन आर्म्स, आर अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है भैया. और आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे हिंदू में आर्टिकल पढ़ लेते हैं और ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ के वो आंसर में भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज लिखाते हैं. आर अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है,
क्या मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो क्या आरपी नाम्स? सीधी सीधी बात यह है, फार्मर्स ने ये बोला है कि आप चाहते हो कि भैया हम स्टबल बर्निंग ना करें, ठीक है, तो आप उसके लिए पहले हमें और जो कंपनसेट करो कि अभी हम स्टबल बर्निंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम उस स्टबल को कहाँ लेके जाएं, ठीक है, घर में उसको लेके जाएं या रोटी दाल में पका के खाएं, तो आप पहले स्टबल बर्निंग हम नहीं करेंगे लेकिन आप उसके लिए हमें कंपनसेट करो, अल्टरनेटिव मेथड्स बताओ कि हम कैसे स्टबल को जो है डिस्पोज करें। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है, ये इसका जो पहला पैराग्राफ इसका मतलब ये निकलता है कि भाई उन्होंने हथियार उठा लिए। तो ऐसे आर्टिकल्स से सतर्क रहना है, और यूट्यूब पे जो इनको लेके जो वीडियोस बना देते हैं और इस न्यूज़ को पूरा हाईलाइट कर देते हैं उनसे भी सतर्क रहना है। नेक्स्ट, रेलवेज मूव टू एंड डिकेड्स ओल्ड वीआईपी कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ वीआईपी कल्चर एंड करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो क्या क्या है, एक उनका पुराना प्रोटोकॉल था जो जनरल मैनेजर्स, जो जोन के आपके जनरल मैनेजर्स होते हैं, रेलवेज़ के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं ना, तो हर जोन का जनरल मैनेजर होता है, तो जब भी कोई जो रेलवे बोर्ड है उसका चेयरमैन या उस रेलवे बोर्ड का कोई भी मेंबर जाता था ना विजिट पे, ठीक है, जोनल विजिट वगैरह पे, तो उसमें जनरल मैनेजर के लिए मैंडेटरी होता था कि वो प्रेजेंट रहे उनके अराइवल और डिपार्चर के ऊपर, ठीक है, तो बिना बात के मतलब कि क्या अगर कुछ काम है जनरल मैनेजर को तो भैया बुलाओ, नहीं तो वो अपना सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने में स्वागत करने के लिए उसको तुम खड़ा रख रहे हो और वो सारा अपना बेचारा काम धाम छोड़ के आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो एक तो इस चीज़ को एंड करने की बात की गई है कि भैया प्रेजेंट अगर कुछ नीड है तो उसको बुलाया जाएगा, नहीं तो अपना काम करें। दूसरी चीज़, नो ऑफिशियल वुड एंटरटेन बुकेट्स एंड गिफ्ट्स एट एनी टाइम, ठीक है, अब रेलवे बोर्ड का कोई मेंबर आ जाता था तो उसके स्वागत में हज़ारों गिफ्ट लेकर लोग पहुंच जाते थे, ठीक है, जो रेलवे हेड होता था ये वो, तो वो सब चीज़ें अब जो हैं वो ख़त्म करने की बातें की गई हैं। सीनियर ऑफिशियल्स विल ऑल्सो हैव टू रिलीव ऑल द रेलवे स्टाफ हु हैज़ बीन एंगेज एज डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है, काफ़ी सारा जो रेलवे स्टाफ होता है वो सीनियर ऑफिशियल एज डोमेस्टिक हेल्प ले जाते हैं कि बीवी जी को तंगी ना हो तो झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए उनको लेके जाया जाता है। और कुछ 30,000 ट्रैकमैन जो हैं, अब हम सुनने में आता है कि भैया रेलवे ट्रैक की रिपेयर इसलिए नहीं होती क्योंकि रेलवे के पास जो है वर्किंग जो स्टाफ है वो कम है, अब 30,000 जो स्टाफ है वो तो डोमेस्टिक हेल्प में बर्तन धोने के लिए कपड़ा धोने के लिए लगा रखा है, तो स्टाफ तो कम हो गई, कुछ 3,000 जो आदमी हैं वो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम कर रहे हैं रेलवे ऑफिशियल्स के घर पे, तो उनको वापस लगाया जाएगा उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं। और रेलवे मिनिस्टर ने ये भी कहा है सीनियर ऑफिशियल्स को, जो भी उनका अभी रेलवे जो ऑफिशियल्स हैं सीनियर ऑफिशियल्स हैं बिल्कुल एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं एकदम राजाओं की तरह अलग से अपनी पूरी बोगी बुक कराकर, तो उनको कहा है कि भैया तुम इतना खर्चा मत किया करो, तो अपना थ्री टायर एसी और इस सब में ट्रैवल किया करो तुम लोग भी आम जनता के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेविगेटिंग अ चेंजिंग वर्ल्ड, तो ये आर्टिकल था, देख लेते हैं इसमें क्या था। तो थीम जो था इसका, इंडिया ईयू रिलेशंस इन लाइट ऑफ रिसेंट समिट, अभी ईयू समिट, इंडिया ईयू समिट होके हटा है इंडिया में ही दिल्ली में, तो क्या कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया ईयू का रिलेशनशिप वो देख लेते हैं। इंडिया ईयू जॉइंट स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म दिस ईयर कॉल्ड फॉर डिसिसिव एंड कंसंट्रेटेड एक्शन अगेंस्ट हफीज सईद, दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए तैयबा एंड अदर परवेयर्स ऑफ टेरर, दिस विल फर्दर बॉल्स्टर इंडियाज़ एफर्ट्स टू कॉल आउट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ स्पॉन्सरिंग टेरर। अब इंडिया को तो इसमें मज़ा आ गया एकदम, अगर हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम वगैरह को कह दिया ना तो मज़ा आ गया कि भैया पाकिस्तान, अभी हाफिज़ सईद वाले पाकिस्तान को ऐसे रखे हैं राजा की तरह, तो ईयू ने अब नाम ले दिया तो फिर पता चल जाता ना, वो आ जाता है, वो एक बर्डन आ जाता है कि आपको उसको क्लियर करना ही होगा, नहीं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान सब जानते हैं कि पाकिस्तान में है हाफिज़ सईद और उसकी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है, तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे उनको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही हैं उसके बाद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर आ जाता है उस गवर्नमेंट पर। एग्री टू एनहेंस कॉपरेशन एट मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल इंटरेक्शंस, यू इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स इज ऑल्सो वेरी ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, ठीक है, तो समिट में एक डिक्लेयर, अब देखो ना समिट कैसे होते हैं, ये हिंदू वालों की तरह नहीं कि सीधा एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे, समिट जो होते हैं बड़े चालाकी से होते हैं, किसी देश का नाम लिए बिना उस देश को हाईलाइट कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं था कि उसमें इन्होंने ईयू और इंडिया ने ये कह दिया यार हमें तो चाइना से डर लगता है, हमें चिंता है चाइना के ये इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो उसके एजेंडा है हमें उनसे दिक्कत है, ऐसे नहीं बोलते, बोलते कैसे हैं, द समिट डिक्लेरेशन मेक्स अ रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रिंसिपल्स। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रिंसिपल्स से हमने क्या हाईलाइट कर दिया कि यार ये जो चाइना जैसी कंट्रीज दादागिरी दिखा रही है ना साउथ चाइना सी में, ये अपने को पसंद नहीं है, हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रिंसिपल चाहिए, तो नाम भी नहीं लिया और बता भी दिया कि हाँ बेटे देख रहे हैं तुम्हें,
ठीक है ना, तो ऐसे आंसर्स भी ऐसे ही लिखने होते हैं, ये नहीं कि बस वहाँ पर गाली गलौज करने लगो और सीधा उंगलियाँ पॉइंट करने लगो। कभी भी पढ़ा लिखा आदमी और समझदार आदमी उंगलियाँ नहीं पॉइंट करता है, ये बात हमेशा याद रखना। और यही चीज़ तुम्हारे मेंस के आंसर में हाईलाइट होनी चाहिए। मेंस के आंसर सिर्फ तुम्हारी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, मेंस के आंसर ये चेक करते हैं कि तुम कितने सेंसिबल हो, तुम्हें अपनी बात कहनी आती है या नहीं कहनी आती है। एक IAS बनना है तुम्हें, तुम्हें डंडे नहीं उठाने, ठीक है ना। ये हिंदू वालों की तरह नहीं लिखना, फार्मर्स आर हैव टेकन अप आर्म्स, ठीक है ना। तो देख समझ के, EU इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है, ये देख लिया हमने। EU इज कंसर्न्ड अबाउट चाइनाज फ्लडिंग ग्लोबल मार्केट्स विद इनएक्सपेंसिव स्टील, ठीक है। चाइना अपनी सस्ती स्टील बना बना के ग्लोबल मार्केट में डाले जा रहा है, तो EU से उसको भी जो है चिंता है। अब कुछ इशू भी हैं अपने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा है। तो एक तो इशू अपना जो है ये बायलेटरल ट्रेड जो हम BTI है जो साइन करने की बात कर रहे हैं, बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसमें काफ़ी टाइम से इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये साइन हो जाए। तो इसमें मेजर दिक्कत क्या है, अब EU ये चाहता है कि जो उसके गुड्स हैं उनको इजी मतलब एंट्री वगैरह मिल जाए और जो सारी मार्केट एक्सेस है वो अच्छे से मिल जाए भारत में, ठीक है। तो EU को ये चाहिए, अब इंडिया को ये चाहिए कि जो इंडिया को क्या चाहिए कि ग्रेटर ईज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ टेम्प्रेरी स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है भैया, हमारे भारत से कोई टेम्प्रेरी स्किल्ड वर्कर जाता है तो उसको यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में ईजी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको आप वीज़ा नहीं दे रहे या उसका पासपोर्ट नहीं दे रहे, फिर उसको डिटेन कर दिया, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आपने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ पे तो 3 साल में BCom होती है, कॉमर्स होती है, हमारे यहाँ पे तो 4 साल में कॉमर्स होती है, तो तुम्हारे 3 साल की कॉमर्स हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो EU ये करने को तैयार नहीं है, मतलब यूरोपियन यूनियन को ये चाहिए कि हाँ हम वो अपने गुड्स भेज लें हमारी इंडियन मार्केट में, लेकिन हमारे हम उनसे कोई बेनिफिट ना उठाएं, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा लफड़ा चलता रहता है और यही जो है एक प्रॉब्लम बना हुआ है हमारे इस एग्रीमेंट साइन होने में। दूसरा एक इशू क्या है, जो EU है वो अब हमें डाटा सिक्योर सर्टिफिकेशन नहीं देता इंडिया को, ठीक है। डाटा सिक्योर सर्टिफिकेशन क्या होती है कि अगर EU किसी को डाटा सिक्योर सर्टिफिकेशन दे देता है तो वो आप जो कंट्री जो कंपनीज हैं वो इजीली अपना जो डाटा है, डाटा रिलेटेड टू पर्सन या डाटा रिलेटेड टू कंपनीज़, वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब डेटा सिक्योर सर्टिफिकेशन वो क्यों नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया को डेटा सिक्योर सर्टिफिकेशन दे दिया तो इंडिया के पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो लोगों का डेटा प्रोटेक्ट कर सकें, लोगों का डेटा जो है वो लीक होने के चांसेस रहेंगे, और इंडिया के पास कोई लॉ भी नहीं है डेटा को ऐसा प्रोटेक्ट करने का। तो इसी वजह से उनको डेटा सिक्योर सर्टिफिकेशन है वो नहीं मिल रहा, जिससे ईजिली डेटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। वुमेन फाइटर पायलट्स टू फ्लाई MiG-21 बिसन जेट्स, अगर कोई बैंकिंग SSC वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बस ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहना सिंह, ये पहली बार हिंदुस्तान में जो है जेट्स जो हैं उड़ाएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 4, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग सिविलाइजेशन 4th time हो रहा है और इंडिया में हो रहा है आपके, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इज होस्टिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 4, ठीक है, अक्टूबर के महीने में कहाँ कहाँ होगा, दिल्ली, गांधीनगर और धोलावीरा में, ठीक है। ये गांधीनगर और धोलावीरा आपका गुजरात में है। दिस कॉन्फ्रेंस इज 4th इन द सीरीज ऑफ डायलॉग्स इनिशिएटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इन 2013 विद एन ऑब्जेक्टिव to encourage scholarly and public discourse about 5 ancient literate civilizations of the world, ठीक है। 5 civilizations के बारे में, कौन सी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, साउथ एशिया, चाइना एंड मिजो अमेरिका, एंड हाउ द स्टडी ऑफ द पास्ट कैन शेयर आर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टूवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन। तो पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी इसकी, ये हुई थी आपके ग्वाटेमाला में 2013 में, उसके बाद टर्की में हुई 2014 में, चाइना में हुई 2015 में, प्रेजेंटली अभी आपकी दिल्ली और गुजरात और में गांधीनगर और धोलावीरा में हो रही है हमने देखा, और फाइनल जो इसका डायलॉग करने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इजिप्ट में इसको देख लेंगे और इसका जो है सारा कंक्लूजन वो हो जाएगा। तो फैक्चुअल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। तो दोस्तों आज इतना ही था, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।